आज मैं आपको घर पे ही हम बटर कैसे बनाते हैं वह बताने जा रही हूँ। बटर बनाना बहुत आसान है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में बटर ख़त्म हो जाता है और हम मार्केट से नहीं ला पाते, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, घर पे ही हम बटर बना सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान है, ये एकदम बिल्कुल मार्केट के जैसे अमूल बटर जैसे ही बनता है। तो देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी घी ली है और ये 3 चिमटी नमक है, कम से कम 1/4 टीस्पून है, और 6 से 7 आइस क्यूब्स के हैं। अब देखिए मैं बताती हूँ हमें करना क्या है। सबसे पहले हम ये घी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे नमक, आइस क्यूब्स। ये जो आइस क्यूब्स है इन्हें हम डाल लेते हैं। और इसे धीरे धीरे इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसमें हिलाएंगे, या ये जो घी है वो जमना चालू हो जाएगा और बटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमें एक ही डायरेक्शन में इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है, बीच बीच में रुके नहीं, कंटिन्यू हिलाते रहें। आप चाहें तो इसमें पिंच ऑफ हल्दी भी दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बटर बनना तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बटर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरीके की प्लेट लेंगे और उसमें इस तरीके से फॉइल पेपर लगा के इस बटर को इसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से मिला के फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इस तरीके से हम इसे रैप कर देते हैं और इसे फ्रिज में रख देंगे। देखिए मैंने 20 मिनट इसको फ्रीजर में रख दिया था। अब ये बटर हमारा पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बटर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसी तरीके से आप भी घर में बटर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये बटर की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।